हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। पहले माँ बुम्बा देवी गई, वहाँ पे मैंने माता रानी को क्या बोलते ओटी बांधी, माँ को साड़ी चढ़ाई, क्योंकि हम जब शादी का न्योता देने जाते थे एक साड़ी लेके जाते हैं, पूरी गाड़ी भर के साड़ी ली हूँ, माता रानी को साड़ी चढ़ाया, फिर वहाँ जाके मन्नत मांगा, क्योंकि बगला आज अमावस्या है और मुम्बा देवी असली बगला मुखी है। अगर मुंबई में देखा जाए तो बगला मुखी, अगर आप पुराणों में पढ़ो तो मुम्बा देवी में ही जो विराजमान देवी है उन्हीं को बगला मुखी का रूप माना जाता है। वहाँ पे गई, वहाँ ओटी भरी, उसके बाद गए बाबुलनाथ, क्योंकि माँ के साथ पिता के दर्शन भी तो ज़रूरी है ना। बाबुलनाथ गए, बाबुलनाथ में जाके अपने पिता के दर्शन किए, वहाँ पर ओटी भरी। उसके बाद महालक्ष्मी गई, क्योंकि देखिए शादी करने जा रही हूँ 100 बेटियों के लिए शादी तो फ्री में होगी नहीं, धन तो चाहिए ना, बगैर उनके हम कैसे काम कर सकते। इसलिए माँ धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाने गई थी कि माँ प्लीज़ अच्छे से कीजिए, तो वहाँ से भी बहुत आशीर्वाद मिला। कमल के फूलों का हार मिल गया, कमल का फूल अलग से मिला, प्रसाद मिला। तो ये तो है 100 लड़कियों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक बात तो देखी है, दुनिया में किसी को किसी से मतलब रहे ना रहे, लेकिन विद्या देवी से, विद्या देवी के परिवार से सबको बड़ा ही लेन देन है। हम क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सच बोलूँ ना, कुछ मेरी गलतियों की वजह से सब बाहर के कुछ लोग ऐसा फ़ायदा उठाते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे बड़बड़ करती हूँ, कभी मैं ही अपने परिवार के लिए बोल देती हूँ, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ लोग हमारे परिवार को तोड़ने को देखते हैं। और उस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ अब, क्योंकि मैं मेरी गलती कि मैं कभी कभी अपने परिवार पे गुस्सा हो जाती हूँ, उस चीज़ का फ़ायदा लोग उठाते हैं और बाहर का फ़ायदा उठा के वो लोग फिर पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं कि ये जब टूटा है तो पूरी तरह से टूट के पूरी तरह से अलग हो जाए। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहूँगी कि तुम लोग असल में एक ही बाप की औलाद हो ना, कि तुम्हारी माँ 10 घड़ों के साथ गई थी सोने के लिए, कि तुम लोगों को दूसरों का परिवार देख के जलन होती है, दूसरों की बेटियों को देख के जलन होती है, दूसरों की बेटियाँ किसके साथ घूमती क्या घूमती वो जलन होती है, हमारे घर में कितने डॉगी हैं कितने हैं हम उनका खर्चा उठा रहे वो जलन होती है, हम कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे वो जलन होती है, वो बात की जलन होती है ना। और सबसे बड़ी बात, ये जो मेरी छोटी सी गलती का लोग फ़ायदा उठा के अपनी माँ बाप बहन को रस्ते पे चुदवाते हैं, भोसड़ी के माधर चुद लोग, हाँ थोड़ा सा चीज़ टूटा रहेगा पूरी तरह से तोड़ने को देखते हैं गांडू लोग। साले तुम लोग खुद भड़वे लोग 10 रंडियों के पास जाके चुदवाने वाले, खुद के घर की भी औरतों को छोड़ते होंगे कि तो पता नहीं, हाँ माधर चुद लोग तुम्हारे घर की बेटियों को भी क्या तुम लोग दूसरों का साथ चुदवाने के लिए पैदा करके बड़ा करने वाले हो क्या, हाँ बताओ। तुम लोगों को विद्या देवी इतनी बुरी लगती है, विद्या देवी की बेटियाँ इतनी बुरी लगती है, विद्या देवी का परिवार इतना बुरा लगता है, क्यों भाई? तुम्हारे घर में अपना काम धंधा नहीं है? अरे पहले खुद के घर में झाको, तुम्हारे घर में का पहले देखो कि तुम्हारे घर में क्या कारनामा चलता होगा कि नहीं चलता होगा। पता चला तुम लोग दूसरों के बाहर की बेटियों का नाम खराब करके देख रहे हो, दूसरों की औरतों का नाम खराब करने को देख रहे हो, दूसरों का परिवार खराब करने को देख रहे हो। तुम लोग को मजा आता है, अरे इनके घर में झगड़ा हो रहा है, इनके घर में ये हो रहा है, इनके घर में तब वो प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोग को देख के मजा आता है। पहले खुद के घर में तो झाको कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। पता चला कि दूसरों का देखने से पहले तुम्हारे घर की सारी कहते ना मट्टी मेल हो जाएगा। ये सब बातों से मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है। और एक बात बताऊँ, मैंने कल से लेकर आज तक कसम खाई है, जो लोग भी मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश करते मेरे घर पे नज़र रखते, एक बात याद रखना कि इन्होंने अपनी माँ की पैदाइश को गाली दी है, इन्होंने अपनी माँ को गाली दी है कि ये ऐसी नीच औरत के बच्चे हैं, जिस नीच औरत ने पता नहीं कितने अपने जवान में कितने बॉयफ्रेंड रखी होगी, जैसे तुम जैसे नीच और माधुरचोद बच्चों को पैदा की होगी, जो दूसरों की खुशी दूसरों को देख नहीं सकते, दूसरों की बर्बादी देखने में। तुम जैसों को तो मैं बायला बोलती हूँ, चूड़ियाँ पहन लो तुम बायले लोग, तुम्हारे लिए वही शोभा देता है, क्योंकि तुम लोग जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाए, दूसरों की जिंदगी में देखना तुम लोगों को बहुत पसंद आता है ना। तो ये बात कसम है कि जो तुम लोग जिस तरह से दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने को देखते हो, दूसरों की जिंदगी को तबाह करने को देखते हो ना, ये वादा है मेरा, ये वादा है जिसने भी इस तरह से शादी में अड़चन डालने की कोशिश की है ना, ये वादा है आने वाली 24 तारीख तक अगर तुम लोगों को मैंने रोड रोड का भिखारी नहीं बनाया, तुम लोगों को 6 महीने के लिए पलंग पे नहीं सुलाया है ना, तुम्हारी बीवियों को कोठे पे नहीं भिजवाया, तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि तुम्हारी बीवी खुद दूसरों के साथ जाके रस्ते पे खड़ो के कॉल वॉल बन के सबके साथ सो ही नहीं ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं आके चप्पल मार के जाना, ये बात याद रखना, ये बात देख लेना। तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, तुम
लोग जैसे दूसरों की बेटियों के ऊपर आते हो ना, देख लेना तुम्हारी बेटियां भी, तुम लोग की भी घर में अगर बेटियां होंगी ना, तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे घर के भाई भाई और बच्चों के साथ नाजायज बच्चे पैदा नहीं की ना, तो बिदर भी नाम की नहीं। ये याद रखना जो तुम लोग दूसरों की बेटियों पे नजर डालते हो। दूसरों की बेटियां क्या करती है, कैसे करती है, क्या बनाती है, कहां जाती है, क्या होता है ना, बड़ा बड़ा शौक है मेरे घर में ध्यान देने का। क्या सच में तुम, क्या सच में तेरी मम्मी नशा लेती थी, क्या सच में ऐसा होता था? अरे भोसड़ी के मेरा वीडियो नहीं देखते क्या माधर चौध लोग, गांडू साले, हाँ कौन से पद पे है रे तुम लोग के बाप भड़वे चौधरी के माधर चौध, कौन से पद पे है? दूसरों का हराम का खाते है छिनाल चौधरी के माधर चौध, हाँ क्या है, क्या क्या है तुम्हारे पास ये बताओ साले? खुद की औकात बना नहीं पाए, दूसरों की औकात देखने चले। देखो मैं क्या करती, मैं है ना, मेरी गलती को पहले मुझे सुधारनी है। मेरी गलती है कि मैं हमेशा कभी कभी अपने परिवार के लिए बोल देती हूँ, कर देती हूँ, उसकी वजह से लोग इस तरह का फायदा उठाते हैं और पूरी तरह से सोचते कि भगवान करे इनका टूट जाए, इनको कोई मिले नहीं, ये हो। तुम्हारे घर में भी तो होंगी ना औरतें, होंगी बच्चे, होंगे बेटियां होंगी, पहले खुद के घर में तो झांको तो पता चलेगा। पता चला ऐसा ना हो कि तुम लोग के घर की, तुम लोग के घर की बेटियों ने तुम्हारा नाम खराब करके रखो। अरे दूसरों में झांकने से पहले खुद का देखो, दूसरों का क्यों देखते हो, हाँ ये सब शोभा देता है ना तुम लोगों को। खुद के अंदर नहीं देखोगे, खुद का कपड़ा उठा के देखो ना कितना अंधेरा है, दूसरों में क्या देखने जा रहे हो। और विद्या देवी से डर तो लगता नहीं है। देखा ना कि योगिता जैसी औरत, उसको 4 बार 5 बार मना किया कि अपने काम से काम मतलब रख, पूरे यूट्यूब पे नंगा कर दिया, अभी तो उसके घर पे जाके मारना बाकी, की जरूरत नहीं है उसका मारने के लिए, ऐसे ही होगा। ये ऐसे तुम जैसे फालतू लोग हैं ना, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। और तुम लोग तो इतने बेशरम होते हो ना, इतना बोलने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम लोग कान में तेल डाल के चलते हो। तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा, ये 24 तारीख पर फर्क पड़ेगा, ऐसी बात है। पहले कैसा है विद्या देवी की, अब गलती विद्या देवी को सुधारनी है। मैंने पीछे बहुत सारी गलती है कि उस गलतियों का फायदा तुम जैसे भड़वे माधव चौध लोग ने उठाया है ना। तुम लोगों के घर में अगर कोई कहते ना खाने खाने के लाले नहीं पड़े ना, एक एक दाने के लाले नहीं पड़े ना, तो विद्या देवी को याद करना, तुम्हारा रहना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, देख लेना। तुम लोग ऐसे बिस्तर पे पड़े रहोगे तुम्हारी और तुम्हारे सामने जाके दूसरों के साथ सोकेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि किसी के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ये लिख के लेना, देख लेना, फिर मजा देखो, फिर मैं हंसूंगी जोर जोर से, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। मैंने पहले ही कहा है मुझ पे मेरे परिवार पे से नजर रखने से कोई फायदा नहीं, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपना ही बिगाड़ोगे, ऐसी बात है। और इस तरह से जिस तरह से दो गोराई में दो बैनर उतरे, उससे साफ साफ पता चलता है कि तुम सबकी गांड कितनी जली है, तो मैं और जलाती हूँ, देखो मजा मैं क्या करती हूँ। वेट एंड वॉच, ठीक है।